नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली के जागीरपुर के रहने वाले मयंक सोनकर ने रोशन किया भारत का नाम। यूरोप में आयोजित फिटनेस बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर अपने माता पिता और पूरे देश का नाम रोशन किया था। उसमें स्थानीय लोगों ने फूलमाला पहनाकर किया स्वागत। खिलाड़ी मयंक सोनकर का कहना, अपने देश के लिए इसी तरीके से करते रहेंगे मेहनत। राजधानी दिल्ली के जागीरपुरी इलाके के रहने वाले मयंक सोनकर ने न सिर्फ अपने माता पिता बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। देश की राजधानी दिल्ली के विधानसभा आदर्श नगर इलाके में रहने वाले मयंक ने यूरोप में भी भारत का परचम लहराया और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर सभी का दिल जीत लिया। यूरोप के स्लोवेनिया देश में 4 जून को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर मैसेज, अपने माता पिता बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर दिया। मयंक सोनकर हैं पूरे यूरोप सहित 28 देशों के खिलाड़ियों को हराकर गोल्ड मेडल यानी कोच पोजीशन हासिल की है और भारत देश का नाम पूरे विश्व में सबसे ऊपर कर दिया। अपने गुरुजी सुनील लोचाप जी के मार्गदर्शन में मयंक सोनकर ने ये गोल्ड मेडल भारत के नाम किया। मयंक ने MR फिटनेस मॉडल कैटेगरी में भारत को रिप्रेजेंट किया। मयंक ने अपने लक्ष्य तक पहुंचने पर ध्यान दिया और उसकी कड़ी मेहनत और लगन का ये नतीजा निकला कि आज वह देश के लिए यूरोप में भी गोल्ड मेडल जीत कर लाया है। उसके बाद से ही इलाके के लोग हर्षित हो उठे और मयंक का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया और इवेंट के प्रेसिडेंट ने मयंक और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मेडल जीतने पर मुबारक दी। न्यूज 9 भारत के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। मैं जी, फिटनेस 9 में बहुत जो बच्चे होते हैं जो नशे लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, आप फिटनेस 9 में अपनी बॉडी को किस तरीके से बनाए? जी, मैंने हर नशे से दूर होके अपनी पढ़ाई पे और अपनी फिटनेस पे फोकस किया और जो लोग नशे की तरफ अपना ध्यान, मैंने कई, मुझे दुख होता है कि कई लोगों को मैं देखता हूँ हॉर्मोन्स, एक्स्ट्रा हॉर्मोन्स बॉडी में इंजेक्ट करने पड़ेंगे, तो मैं इसी चीज़ को गलत साबित करना, अपनी मेहनत से गलत साबित करना चाहता था, जो कि मैंने मेरे गुरुजी की बदौलत जो उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, नेचुरल प्लेटफॉर्म, मैंने उनके आगे रिक्वेस्ट की थी कि मैं नेचुरली अपना आगे पोटेंशियल शो करना चाहता हूँ, तो वही मुझे उन्होंने भी दिया और मैंने दुनिया को दिखा दिया। जय हिंद, जय भारत। आज जो मैं जो विदेश में गया, ये ऑनलाइन कोचिंग जो इस पर फ़ोन आते हैं इस पर मयंक सोनकर पे, कभी राजस्थान से कभी पंजाब से, मैं देखता हूँ बैठ के ऑनलाइन ये कोचिंग करवाते हैं कोचिंग से, और आज जो ये गया है वहाँ पे आशीर्वाद कि आज जो नाम मयंक ने करा है, मैं हर बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि आप भी मयंक जैसे बनो तो हमारे क्षेत्र में हमारे देशवासियों को खुशी होगी, हर के लिए खुशी है। धन्यवाद करना चाहता हूँ मीडिया का भी और सब क्षेत्रवासियों को। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार है। रमेश जी, गोल्ड मेडल जीत कर आए हुए हैं, क्या इनके लिए बधाई देना चाहते हैं और क्या इस माहौल की बात करें, पूरी भारत के किस तरह से खुशी का माहौल? सबसे पहले तो मैं मयंक सोनकर को धन्यवाद करता हूँ और दूसरा कि इनके जो माँ बाप हैं, इनका परिवार देश में जाके गोल्ड लेकर के आया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम आगे भी आशा करते हैं कि इससे अच्छे खेले और गोल्ड लेकर। क्या नाम है सर? मेरा नाम छोटेलाल है। छोटेलाल जी, मयंक सोनकर ने गोल्ड मेडल जीत के आए हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं, पूरे देश का नाम रोशन किया है? मैं मयंक जी को पहले सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बड़ा गर्व का काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, समाज का किया है, जहांगीरपुरी का किया है और हमारा सर बहुत ऊंचा गर्व से हो गया है और हम बहुत खुश हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनके माता पिता को, उनके परिवार को। और हमें भी महसूस हो रहा है क्योंकि हम भी इनके साथ रहते हैं, हमें भी ऐसा मौका मिला है जीवन में उनके साथ, धन्यवाद देने का। जी सर, एक बार अपना परिचय दें। मैं इंद्रमणि तिवारी, RWA GS ब्लॉक जहांगीरपुरी का प्रेसिडेंट हूँ। सर, ये जानना चाहते हैं कि आपने मयंक कुमार हैं, मयंक सोनकर नाम से है जी, जी, भारत का एक नाम रोशन किया है जी, क्या कहना चाहते हैं? हमारे ब्लॉक का हमारे मित्र हैं, RW के मेंबर भी हैं राजेश भाई, हमारे राजेश भाई सोनकर जी, उनके ये पुत्र हैं मयंक सोनकर जी, जिन्होंने अभी यूरोप में जाके इन्होंने 28 कंट्री के पहलवानों को
हरा के उन्होंने तिरंगा लहराया और ये जो गोल्ड मेडल लेके आया, तो ये इसके लिए पहले तो RWA की तरफ से बहुत बहुत बधाई इनको, और बहुत बहुत तहे दिल से हम लोग सम्मान करते हैं, और इधर पूरे जी ब्लॉक एच ब्लॉक जितने झाईपुरी निवासियों की तरफ से हम लोग इनको बहुत। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं योगेश मलिक। योगेश मलिक जी, जो लड़के ने अपने देश का नाम रोशन किया, गोल्ड मेडल लेके आया, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले मैंक सोनकर को बधाई दूंगा, उसके बाद इनके माता पिता का जो आशीर्वाद इनके साथ रहा वो काबिले तरीका, और इन्होंने अपने देश के लिए और उसके साथ अपने एक छोटे से क्षेत्र के जो जहांगीरपुरी के लिए जो गोल्ड मेडल जीता है, उसके लिए मैं अपने दिल से और पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से इनको हार्दिक बधाई देता हूँ। जी सर, क्या नाम है आपका? दीप कुमार। दीप कुमार जी, मैं सुनकर ने गोल्ड मेडल जीत के आया है, भारत का नाम रोशन किया, क्या कहना चाहते हैं? आई एम वेरी प्राउड ऑफ इज विनिंग द गोल्ड मेडल इन ग्रुप चिल्वानिया इन मैन फिटनेस कंपटीशन। We are not only happy but proud of this, our son and our soldier and all around the areas and the nations. I thanks once and once is winning this gold medal. Thank you, Prime Minister, to send us to us such a good athlete. Narendra Modi. Our Prime Minister is Narendra Modi. I don't know how to say.